हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं NMMS परीक्षा का आंसर, जो कि विज्ञान विषय का है, भाग दो शैक्षणिक योग्यता या शैक्षिक योग्यता का है। तो आज देखिए, इसका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आप ये आंसर मिलाते जाइए और अपना खुद का रिजल्ट देखते जाइए। निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास के बीजों को हाथों से अलग किया जाता है। तो ओटना जो है ये कपास के बीजों को अलग करने की एक विधि है, जिसमें कि हाथों से उसे अलग किया जाता है। निम्न में से कौन सा परभाषी का उदाहरण है। तो परभाषी हमें ईंट के आर पार नहीं दिखाई, लकड़ी के भी आर पार नहीं दिखाई देता, और जो तेल लगा कागज़ होता है उसमें से हमें तो कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, तो धुंधली चीज़ को ही हम परभाषी कहते हैं। इसी तरह से अगला हम आंसर क्वेश्चन देखें, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। तो पर्णवृंत, आप देखते हैं कि पत्ती में एक छोटा सा जो पत्ती होती है वो इस तरह से बनी होती है, और ये जो यहाँ से ये जो जुड़ी होती है, ये जो पोर्शन के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये डंडी पर्णवृंत कहलाती है। पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं। तो पुष्प के केंद्र में स्थित जो पुष्प के केंद्र में ये इस तरह से जो संरचना पाई जाती है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये इस तरह से आपको संरचना देखने को मिली होगी, तो वो जो पार्ट है वो स्त्री केसर कहलाता है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि गुरुत्वाग्र संधि कहलाती है। ये इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखें, अगला आठवां क्वेश्चन हम देखें। आठवां क्वेश्चन है, जन्म के समय मानव कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो 305 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट देखें, मानव मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं। तो इसमें 33 कशेरुकाएँ होती है। लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो ये आवर्ती गति का उदाहरण है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्र की संरचना इस प्रकार होती है। ये संरचना को आपने पढ़ा होगा कई बार। ये जो इस तरह से जो संरचनाएँ होती है वो छोटे छोटे छिद्रों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक परजीवी पौधों का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है। तो अमरबेल जहाँ भी जिस भी पेड़ पर होती है वो क्या करती है, उन्हें उसके सारे पोषक तत्व जो है, जिस भी पेड़ पर रहती है उसके पोषक तत्व सारे सकिंग कर लेती है, यानी वो उसको उपयोग कर लेती है। अब उसके बाद हम देखें, अगला क्वेश्चन है, उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी होते हैं वे जीवाणु, राइजोबियम, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों या पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किसकी आपूर्ति करते हैं। तो वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मानव शरीर में सब छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है। तो वह 7.5 मीटर लंबी होती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत यानी लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। देखिए, रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय कितने होते हैं, तो या कितने भागों में बांटा गया है। तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये वाला गलत आंसर जो कि बच्चे के द्वारा लगाया गया है, आप इसे नहीं देखें। पश्मीना शॉलें किस पशु की खाल कोमल बालों से बनाई जाती है। तो पश्मीना शॉल बकरी की कोमल बालों से बनाई जाती है, कश्मीरी बकरी के कोमल बालों से बनाई जाती है। वे सभी प्राणी किस रूप में समूहीकृत किया गया है। सभी प्राणियों को परपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है।
मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एसिटिक एसिड निम्न में से किस में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड दही में पाया जाता है। चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? बेकिंग सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में इनकी संभावना होगी। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो गर्म और शुष्क। निम्न में से कौन से प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है? तो हम जानते हैं कि भाई खरगोश भी धीरे है, धीरे दौड़ता है यानी चलता है, गिलहरी भी धीरे चलती है, बाज भी धीरे उड़ता है, लेकिन जो चीता जो है वो सबसे तेज चलता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विशेष विक्षेप होता है? तो यह हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने देखा। वाहनों में पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिंब से बड़े साइज की का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह अवतल दर्पण के द्वारा बनाया। रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच में 4 मीटर की दूरी है। यह वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो रोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच क्या दूरी होगी? तो 3 मीटर की दूरी होगी इसमें। अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक फसल खरीफ का फसल नहीं है? तो चना की जो फसल है वो खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है? तो इसमें से एंथ्रेक्स जो है वो विषाणुजन्य रोग नहीं है। निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल के उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है। संचारी रोगों का प्रमुख कारण क्या है या संचारी रोगों का वाहक निम्न में से किसको माना जाता है? तो मक्खी को संचारी रोगों का कारण या वाहक माना जाता है। रेयान का रेशा किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? रेयान का रेशा लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो ये थे बच्चों हमारे साइंस के क्वेश्चन आंसर्स। हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि सामाजिक विज्ञान के आंसर्स मैं आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप इन सारे आंसर्स से अपने आंसर्स मैच कीजिए और देखिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है और क्या आपका रिजल्ट हो सकता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।